चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोस आसानी से देख पाए आज हम समझेंगे क्लास चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं ए टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन पेपर वॉज इन्वेंटेड बाई द तो पेपर का आविष्कार चाइनीज के जरिए हुआ था इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइनीज नंबर टू द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज प्रोमोटेड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है देना. Three, इसका होगा C, मतलब मीडिया किसी के दबाव में जाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है नंबर फोर हू एमोंग नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग द न्यूज तो न्यूज को टेलीकास्ट करने में टेक्नीशियन का कोई काम नहीं होता तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टेक्नीशियन नंबर फाइव विच कंट्री डिड जोहनबर्ग बिलोंग टू तो ग्यूटनबर्ग जर्मनी के सिटीजन थे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी नाउ बी फिलिंग इन द ब्लैंक्स नंबर वन मीडिया हैज डैश टू लेवल वेयर टेक्नोलॉजी इज मीडिया इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी मतलब मीडिया ने टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां टेक्नोलॉजी ही मीडिया बन चुका है नंबर टू चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ डैश बाय इन्वेंटिंग पेपर इसका आंसर होगा प्रिंटिंग मतलब चाइनीज के द्वारा पेपर के इन्वेंशन से प्रिंटिंग के डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा नंबर थ्री टेलीविजन पब्लिक परसेप्शन एंड इसका आंसर होगा ओपिनियन। मतलब टेलीविजन लोगों के मान्यता और विचार पर प्रभाव डालता है नंबर फोर मीडिया शुड नॉट डैश ए क्लास पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा फेवर मतलब मीडिया किसी एक व्यक्ति या समाज को फेवर नहीं करती है नंबर फाइव द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज प्रमोटेड डैश एंड अकाउंटेबिलिटी इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी नाउ सी राइट टू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड ये स्टेटमेंट ट्रू है नंबर टू आर टी आई वॉज पास ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है नंबर थ्री मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी वॉच डॉग का मतलब होता है रखवाली करने वाला कुत्ता तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है नंबर फोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज नो लिमिटेशन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमारे पास आजादी है किसी को कुछ भी बोलने की लेकिन एक लिमिट में रहकर नंबर फाइव ए वेरी बिग शेयर ऑफ इंडियन मीडिया इज ऑन बाई पॉलिटिकल पार्टीज तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इंडियन मीडिया का बिग शेयर मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन करती हैं नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ नंबर वन डिफाइन मीडिया एंसर इज मीडिया रिफर्स टू ए वेरियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन डेट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल रेडियो टेलीविजन न्यूज पेपर एटसेट्रा मतलब मीडिया बातचीत का एक माध्यम है जिसके जरिए हम एक समय पर लोगों की बहुत बड़ी संख्या से बातें कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल है रेडियो टेलीविजन न्यूज पेपर एटसेट्रा नंबर टू इज मीडिया कॉल्ड ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी इसका आंसर है मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी डेट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पीपल इन्वॉल्व मतलब मीडिया लोगों को शामिल करके गवर्नमेंट को एक्टिव रखती है नंबर थ्री वट द सिनेमा एफेक्ट आवर व्यूज मतलब सिनेमा हमारे विचारों को किस प्रकार प्रभावित करता है आंसर इज सिनेमा प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी एंड इट्स वैल्यू सिस्टम मतलब सिनेमा समाज की बुराइयों और तेजी से बदलते भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करता है नंबर फोर व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंसर इज़ द डिफरेंट मीन ऑफ प्रिंट मीडिया आर बुक्स न्यूज पेपर मैगजींस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर टेलीविजन रेडियो मोबाइल फोन एटसेट्रा बुक्स और न्यूज पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम है और टेलीविज़न रेडियो मोबाइल फोन ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम है नंबर फाइव वाट अदर बेसिक राइट आर लिंकड विद द राइट टू इंफॉर्मेशन एंसर इज देश इंफॉर्मेशन आर freedom of speech and expression and right to education now e answer the following questions number 1 how are media and technology dependent on each other answer is the latest technologies help media to reach out to the masses technology has improved the efficiency of media and on the other media updates us on the advances in technology for example media uses digital technology to provide improved quality of sound and picture मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से मीडिया जनता तक पहुँचती है टेक्नोलॉजी के जरिए मीडिया के काम करने की कुशलता बढ़ गई है और दूसरी तरफ मीडिया हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट देती है आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए मीडिया अपने साउंड और पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और ये हमारी सोच को प्रभावित करता है इसकी मदद से हम अपने देश के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर सोच पाते हैं नंबर टू हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ मतलब मीडिया हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है Answer is the media helps in building public opinion by providing information to the public. Reports, editorials, and letters published in the newspapers and magazines influence the public opinion. In the present time, it is the prime source for the public to know about the current affairs, sports, and games, progress of wars, political situation in a country, etc. Thus, it has a great impact on the public perception and opinion. मतलब मीडिया लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके विचारों का निर्माण करती है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं वो लोगों के विचार को प्रभावित करते हैं वर्तमान समय में करेंट अफेयर्स स्पोर्ट्स गेम्स और कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को मीडिया बताती है इन सब चीज़ों के जरिए मीडिया लोगों के मान्यता और विचारों पर बड़ा प्रभाव डालती है नंबर थ्री डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी answer is in a democratic country media plays an important role in the creating aware and enlightened citizens media has been successful in creating public opinion about the bright burning issues exposing scandals and building the confidence of the people it also ensured that the political power and other powerful groups do not step beyond their limits it is the main source of information इंटरव्यूज स्पीचेस एंड पैनल डिस्कशंस मेक व्यूअर्स अवेयर ऑफ द ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया लोगों को जागरूक करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया अलग अलग समस्याओं को दिखाकर लोगों के विचारों का निर्माण करती है और ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती है और ये पावरफुल पार्टी और ग्रुप्स की देखरेख करती है ताकि वो अपने लिमिट्स को पार ना कर पाए मीडिया इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स है स्पीच और इंटरव्यू के जरिए लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को जान पाते हैं नंबर फोर इन वाट वेज डज द मीडिया ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन टू द फोर फ्रंट मतलब मीडिया कैसे आम आदमी की समस्याओं को सबसे आगे लाती है आंसर इज द सेलेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज बाय ए टेलीविजन चैनल और ए न्यूज़पेपर ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन टू द फोर फ्रंट

शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी जुर्म हिंसा इत्यादि नंबर फाइव डू यू थिंक इंडियन मीडिया इज फ्री जस्टिफाई योर आंसर आंसर इज यस इंडियन मीडिया इज फ्री बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज ए फंडामेंटल राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद सम सर्टन लिमिटेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक बट समाइम द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टन आइटम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इंडियन मीडिया फ्री है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रोवाइड करता है लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं लेकिन सरकार कभी कभी देश के अधिकार को बचाने के लिए मीडिया को बैन कर देती है नाउ मैप स्किल्स ऑन द पोलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ दर्ल्ड लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग ए चाइना द कंट्री विच इनवेंटेड पेपर तो वर्ल्ड मैप में चाइना आप लोगों को पता होगा हमारे कंट्री के नॉर्थ में यहाँ पे है बी जर्मनी जोहैंस ग्यूटनबर्ग ऑफ दिस कंट्री इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विथ ए टाइप मूल्ड ग्यूटनबर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन का अविष्कार किया वो जर्मनी के सिटीजन थे और वर्ल्ड मैप पे जर्मनी यहाँ पर है सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वेंटर ऑफ फेसबुक गूगल विच चेंज द वे न्यूज आर प्रेजेंटेड फेसबुक और गूगल के इन्वेंटर यूएसए के सिटीजन है और यूएसए वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर लोकेटेड है डी मुंबई इंडिया नॉन फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मूवीज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज का प्रोडक्शन मुंबई में होता है और जब हम वर्ल्ड मैप पर मुंबई को लोकेट करेंगे तो ये यह यहाँ पर लोकेट होगा ई यूनाइटेड किंगडम द कंट्री विच रूल्ड ओवर इंडिया अब हमें यूके को लोकेट करना है जिसने पूरे भारत पर शासन किया तो ये वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर लोकेटेड है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में